वेलकम एवरीबडी टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ आवर पेपर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस येट अनदर न्यू टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस एंड दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल ABC और AGC। इसके बारे में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल। या फिर ABC ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल। ओके, देखिए जो AGC का फंक्शन है वो एक्चुअली जब हम सुपर हेटरोडाइन रिसीवर, चूंकि डिटेक्शन के बारे में अभी हम स्टडी कर रहे हैं और डिटेक्शन का मतलब होता है रिसीवर का एक पार्ट है डिटेक्शन, डी मॉड्यूलेटर्स आप उसे कह सकते हैं। तो अभी हम ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल को इसलिए स्टडी किया, एक्चुअली ये पार्ट यूज होता है जब हम सुपर हेटरोडाइन रिसीवर के बारे में पढ़ेंगे। एक रिसीव करने के जो रिसीवर में जो रिसीवर के जो एक मेन पार्ट है उसमें एक या तरीके आप उसे कह सकते हैं, तो TRF है, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर TRF रिसीवर है, या तो फिर सुपर हेटरोडाइन रिसीवर। इन्हीं दोनों को हम रिसीविंग के सिस्टम में या डिटेक्शन के सिस्टम में इन्हीं दोनों डिटेक्टर्स का यूज हम करते हैं, सुपर हेटरोडाइन रिसीवर या फिर TRF, ओके, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। तो एक्चुअली जो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल है या AGC या फिर आप इसे कह सकते हैं AVC, ये वहाँ का एक हिस्सा है। सुपर हेटरोडाइन रिसीवर जिस तरह से वर्क करता है, वो कैसे हमें आउटपुट देता है और उसके आउटपुट को के गेन को, एक्चुअली आउटपुट के गेन को मेंटेन करना, आउटपुट के गेन को मेंटेन करना, चूंकि AGC का इस्तेमाल रिसीवर में होता है, रिसीविंग सिस्टम ही हम पढ़ रहे हैं, डिटेक्शन वाला पार्ट हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो डिटेक्शन वाले पार्ट में जब हम ये बातें स्टडी कर रहे हैं तो वहीं पर एक हमारे पास फंक्शन होता है जिसे हम AGC या AVC के नाम से यूज करते हैं। तो AGC हो या AVC हो, दोनों का मतलब यही है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल हो या ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल हो, दोनों को एक ही मतलब है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल या ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल की यूनिट का यूज करते हैं। हमें यहाँ एक्चुअली जो डायोड डिटेक्टर के आउटपुट है उसका भी जो आउटपुट है उसका भी गेन मेंटेन नहीं रहता है, तो उस गेन को मेंटेन करने के लिए ही हमें ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल यानी AGC की आवश्यकता होती है। होता क्या है कि मान लीजिए ट्रांसमीटर से कोई सिग्नल आया, ट्रांसमिट होकर आया और रिसीवर पर वो जब सिग्नल आता है तो उस सिग्नल का जो गेन है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो वेरी करता रहता है, क्योंकि जो रिसीवर में इंफॉर्मेशन आएगी, जो रिसीवर का, मान लीजिए ये हमारे पास कोई ट्रांसमिटिंग एंटीना है और यहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है और यहाँ ये रिसीवर है, तो रिसीवर तक ये इंफॉर्मेशन जाती है, रिसीवर इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और यहाँ से बहुत सारे एम्पलीफायर और डिटेक्टर्स लगे रहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो रिसीवर सिग्नल है, रिसीवर ने जो सिग्नल को रिसीव किया है उसका गेन या फिर आप उसे कहें उसका वॉल्यूम, क्योंकि वॉइस सिग्नल के ऊपर हम लगातार बात कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम मेंटेन नहीं रहता है। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल आते हैं, मान लीजिए आप ये कह सकते हैं, चूंकि हम फ्रीक्वेंसी पे अभी जाना नहीं चाहते, चूंकि हम एम्पलीट्यूड डी मॉड्यूलेशन के प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वाला सिस्टम है वो ये है कि यहाँ से जो सिग्नल रिसीव हुआ
ट्रांसमिट, ये ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना, और ये जो है ये रिसीविंग एंटीना है, रिसीविंग एंटीना। ओके, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना से जब कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई और रिसीविंग एंटीना ने रिसीव किया, तो जो रिसीविंग सिग्नल है उसका गेन मेंटेन नहीं रहता, और उसके गेन को मेंटेन करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसको हम कहते हैं एजीसी। उस यूनिट का नाम है एजीसी। ए स्टैंड फॉर हियर, ए स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक, जी स्टैंड फॉर गेन, एंड सी स्टैंड फॉर कंट्रोल। सो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल की जो यूनिट है उसका हम बेहतर यूज समझेंगे जब हम सुपर हेटरोडाइन रिसीवर को स्टडी करेंगे, लेकिन अभी चूंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूड है तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसका बैकअप लेते हैं और थोड़ा सा बैकअप क्रिएट करेंगे इसका, और वो बैकअप हमारे काम आएगा जब हम सुपर हेटरोडाइन रिसीवर को स्टडी करेंगे। वहाँ से फिर जो एजीसी का फंक्शन होगा उसको आपको समझने की आवश्यकता नहीं होगी। सुपर हेटरोडाइन रिसीवर में बहुत सारे कंपोनेंट को हम स्टडी करने वाले हैं, लेकिन वहाँ जो एजीसी का फंक्शन होगा उसको आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। एजीसी जब आप लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यहाँ क्या हो रहा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल और ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल। ओके, सो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल यानी एजीसी इज अ मैकेनिज्म वेयर इन ओवरऑल गेन ऑफ रेडियो रिसीवर इज ऑटोमेटिकली वेरीड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिसीव्ड सिग्नल। ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिसीव्ड सिग्नल। ओके, दिस कैन बी डन टू मेंटेन द आउटपुट एट अ कॉन्स्टेंट लेवल। वीकर सिग्नल रिसीव मोर गेन एंड स्ट्रोंगर सिग्नल रिसीव लेस गेन। ये जो मैकेनिज्म है इसी को हम एजीसी कहते हैं। आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एक टॉपिक स्टडी करते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो एक्चुअली रेगुलेटेड पावर सप्लाई में होता क्या है कि हमारा कोई भी डिवाइस है उनको एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई की हमें आवश्यकता होती है। तो होता क्या है कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये बहुत कुछ मैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बहुत कुछ ये टॉपिक सिमिलर मैच करता है टू द रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ओके, सो रेगुलेटेड पावर सप्लाई में होता क्या है कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल है, ये मैंने आपको रेक्टिफायर में भी जब डायोड डिटेक्टर के बारे में, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी कॉइल है। एक ट्रांसफॉर्मर हमारा यहाँ लगा हुआ है, सॉरी डायोड यहाँ लगा है, इसे डायोड D1 कहते हैं। एक डायोड हमारा यहाँ लगा है, इसे डायोड D2 कहते हैं, और ये पूरी एक सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यहाँ यूज करते हैं हम इस तरह से, और इस तरह से यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस लगा रहता है, ये आउटपुट, यहाँ हम इनपुट देते हैं एक साइनोसोडियल वेव, और ये डायोड हम कहते हैं इसको D1, इसको हम D2 कहते हैं, इसको हम पॉइंट S1, इसको पॉइंट S2, ये पॉइंट S, और ये RL, और यहाँ हमें मिल जाती है आउटपुट इस तरह से। ओके, तो होता क्या है फंक्शनिंग कि यहाँ जो इनपुट है वो कुछ इस तरह की है, ये साइनोसोडियल वेव फॉर्म में, यहाँ ये हो गया मेरे पास फुल वेव रेक्टिफायर FWR, और जो आउटपुट मुझे मिलेगी वो कुछ इस तरह की मिलेगी, इस तरह। लेकिन चूंकि ये मुझे जो डिवाइस यूज करनी, मुझे एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ इसमें वेरिएशन अब भी है, हालांकि इतना वेरिएशन नहीं है जितना इनपुट में है, लेकिन यहाँ वेरिएशन अब भी है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस आउटपुट को मैं एक फिल्टर से पास करा देता हूँ, सुटेबल फिल्टर आप इसे कह सकते हैं, सुटेबल फिल्टर, और ये जो आउटपुट है ये कुछ इस तरह की मुझे मिल जाती है। अब भी इसमें कुछ रिपेल्स बच जाते हैं जिनको मैं
फिर से ओवरकम करता हूँ और यहाँ एक वोल्टेज रेगुलेटर, और आप ये जानते हैं कि जेनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं इसको जेनर डायोड से पास कराता हूँ, एक वोल्टेज रेगुलेटर से पास कर देता हूँ इस आउटपुट को, और मेरे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई मिल जाती है। तो जिस तरह से हमने यहाँ एक साइनोसोडियल इनपुट को यूज करते हुए उस साइनोसोडियल इनपुट से एक डीसी पावर सप्लाई को मेंटेन किया, ठीक इसी तरह से यहाँ भी एजीसी में वर्क होता है। बस यहाँ हमने इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के ऊपर बात की, यहाँ हम गेन के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरे पास जो रिसीव्ड सिग्नल का गेन है वो वेरी होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी सिग्नल वीक ट्रांसमीटर से आते हैं, कभी वीक स्टेशन से आते तो वीक सिग्नल आएंगे, स्ट्रोंग स्टेशन से आएंगे तो स्ट्रोंग सिग्नल आएंगे। तो ये जो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल की यूनिट है, ये काम का करती है, इट्स मैकेनिज्म इज दैट वेर इन ओवरऑल गेन ऑफ द रेडियो रिसीवर इज ऑटोमेटिकली वेरीड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिसीव्ड सिग्नल, ऑटोमेटिकली वेरी होता है। तो ऐसी कौन सी यूनिट्स लगी होती है उनको देख लेते हैं। दिस कैन बी डन टू मेंटेन द आउटपुट एट अ कॉन्स्टेंट लेवल। वीकर सिग्नल रिसीव मोर गेन, चूंकि वो वीक सिग्नल है तो ज्यादा गेन रिसीव करते हैं, और स्ट्रॉन्गर सिग्नल रिसीव लेस गेन, तो लेस गेन। तो इसलिए जो गेन का मेंटेनेंस है वो एक कॉन्स्टेंट लेवल पे मेंटेन रहता है, एक कॉन्स्टेंट लेवल पे वो बना रहता है। ओके, टाइप्स ऑफ एजीसी, किस तरह की एजीसी होती हैं, वो एक सिंपल एजीसी होती है, एक डिलेड एजीसी होती है, और तीसरी फॉरवर्ड एजीसी होती है। इन तीनों को ही मोस्टली हम यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर हम डिलेड एजीसी को यूज़ करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द सर्किट्स हम डिलेड एजीसी को यूज़ करते हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल एजीसी के, उसके ऊपर बात करेंगे हम डिलेड एजीसी की, और फिर हम बात करेंगे फॉरवर्ड एजीसी की। ओके, सो लेट्स सी इट दिस। ओके, सो तीन तरह का एजीसीज है, सिंपल एजीसी, डिलेड एजीसी एंड फॉरवर्ड एजीसी। पहले हम बात करेंगे सिंपल एजीसी की, फिर हम बात करेंगे डिलेड एजीसी की, और फिर हम बात करेंगे फॉरवर्ड एजीसी की। तो सिंपल एजीसी क्या है? ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल है। ये मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ, ये यूनिट मुझे यूज करनी है सुपर हेटरोडाइन रिसीवर में, और वहीं आपको इसका यूज एक्चुअली पता चलेगा। लेकिन चूंकि ये बैकअप के फॉर्म में हमारे पास रहेगी, वहाँ हमें एजीसी डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए चूंकि सुपर हेटरोडाइन रिसीवर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो सुपर हेटरोडाइन रिसीवर में अगर मैं फिर से एजीसी को वहाँ डिस्कस करूंगा तो एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो इसलिए मैं एजीसी को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, और इसका डायरेक्ट यूज हम फिर देखेंगे सुपर हेटरोडाइन रिसीवर में। ओके, सो लेट्स सी इट। सो सिंपल एजीसी, द एजीसी सर्किट मोनिटर्स द रिसीव्ड सिग्नल लेवल एंड सेंड्स ए सिंगल सिग्नल बैक टू द आरएफ एंड आईएफ एम्पलीफायर टू एडजस्ट देयर गेन ऑटोमेटिकली। अब ये आरएफ और आईएफ एम्पलीफायर्स जो वर्क करते हैं, आरएफ और आईएफ का क्या मतलब है? आरएफ इज स्टैंड फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड आईएफ इज स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। ओके, होता क्या है सिंपल एजीसी में, कि सिंपल एजीसी सर्किट मॉनिटर्स द रिसीव्ड सिग्नल लेवल एंड सेंड्स ए सिग्नल बैक टू आरएफ एंड आईएफ। ये जो सारी स्टेजेज हैं हम सुपर हेटरोडाइन रिसीवर में स्टडी करेंगे, टू एडजस्ट देयर गेन ऑटोमेटिकली। अब ये आरएफ और आईएफ जो फ्रिक्वेंसीज हैं, ये क्या होती हैं? फॉर द रिसीवर द सिग्नल फ्रॉम द एंटीना इज एम्पलीफाइड इन रेडियो फ्रिक्वेंसी स्टेज। जो रिसीवर से हमें सिग्नल मिलता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में मिलता है। टू आउटपुट ऑफ आरएफ स्टेज इज वन इनपुट ऑफ मिक्सचर, टू आउटपुट ऑफ आरएफ स्टेज इज वन इनपुट ऑफ मिक्सचर। मिक्सर में ये जो हमें रिसीव्ड सिग्नल हमें रिसीव किया एंटीना से, वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम फिर डालते हैं मिक्सर में। तो डायरेक्ट आप ये समझ सकते हैं, चूंकि ये स्टेजेस मुझे फिर से डिस्कस करनी है वहाँ सुपर हेटरोडाइन रिसीवर में, इसलिए मैं इनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। पर फिर भी फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ इस तरह की बातें हम वहाँ करेंगे जब सुपर हेटरोडाइन रिसीवर को स्टडी करेंगे।
कुछ इस तरह की बातें हम वहाँ करने वाले हैं कि ये मेरे पास रिसीविंग एंटीना है, यहाँ लगा रहता है आरएफ स्टेज, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टेज या रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर आप इसे कह सकते हैं, इसके बाद लगा रहता है यहाँ मिक्सर जो मिक्स करता है दोनों को, और यहाँ जो मिक्सर की आउटपुट है ये मुझे मिलती है एक आईएफ के फॉर्म में, इस तरह से ये तीन स्टेजेस हैं। तो जो रिसीविंग एंटीना की इनपुट है, रिसीविंग एंटीना की आउटपुट है, वो जाती है सीधे कहाँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी में। अब जो मिक्सर है वो यहाँ लगा रहता है एलो, एलो का मतलब है लोकल ऑसिलेटर, तो जो लोकल ऑसिलेटर है इसकी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से जो आया रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आई मेरे पास और लोकल ऑसिलेटर, ये दोनों ये इनपुट जाती है मिक्सर में, और मिक्सर इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज को मिक्स कर देता है और उस फ्रीक्वेंसी को फिर भेज देता है आईएफ स्टेज में, यानी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज में। तो इस तरह से ये काम करता है सुपर हेटरोडाइन रिसीवर, या कोई भी रिसीवर सिग्नल लगभग इसी तरह से काम करता है, कोई भी रिसीवर जो कंपोनेंट्स हैं, जो मैकेनिज्म है रिसीवर का, वो कुछ इसी तरह का होता है कि रिसीवर सिग्नल से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो डायरेक्ट आरएफ एम्पलीफायर में आती है, आरएफ एम्पलीफायर उसे मिक्सर में भेजता है, एक मिक्सर की इनपुट हुई आरएफ की इनपुट और दूसरी जाती है लोकल ऑसिलेटर से, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी और आरएफ सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यहाँ मिक्सर में मिक्स हो जाती है, और मिक्सर में मिक्स होने के वजह से, चूंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा होती है, लोकल ऑसिलेटर के साथ वो मिक्स होकर उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है, उस फ्रीक्वेंसी का लेवल कम कर देता है, तभी हम इसको कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी और इसको कहते हैं इंटरमीडिएट, आई स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को, जो आरएफ सिग्नल आया इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इस फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है कौन, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जब मिक्सर मिक्स करता है तो उसे बदल देता है फिर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ जो आरएफ है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है और आईएफ है जो वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म यहाँ भी है। तो देखिए ये है कि फॉर द रिसीवर द सिग्नल फ्रॉम द एंटीना इज एम्पलीफाइड इन रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टेज, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टेज के पास चलेगा, टू आउटपुट ऑफ आरएफ स्टेज इज वन आउटपुट वन इनपुट ऑफ मिक्सर, जो आरएफ सिग्नल की, जो आरएफ स्टेज की आउटपुट है वो बनती है मिक्सर की एक इनपुट, ए लोकल ऑसिलेटर एलओ इज अदर इनपुट, और मिक्सर के पास जो दूसरी इनपुट जाती है वो जाती है एक लोकल ऑसिलेटर की इनपुट, द आउटपुट ऑफ मिक्सर इज एट द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आईएफ। तो जो आउटपुट होती है मिक्सर स्टेज की वो होती है एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं आईएफ। तो इस तरह से ये जो स्टेज है ये काम करती है, जो रिसीविंग एंटीना के बाद वाले फंक्शंस हैं वो इस तरह से काम करते हैं। अब इसमें एजीसी का क्या काम है वो देख लेते हैं। एजीसी क्या काम करती है, सिंपल एजीसी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। एजीसी इज फॉर्म ऑफ डीजनरेटिव और निगेटिव फीडबैक। तो एक तरह से आप इसको एजीसी को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे निगेटिव फीडबैक का फंक्शन होता है तो ठीक उसी तरह का एक फंक्शन होता है। The AGC circuit produces a voltage that adjusts the receiver gain and keeps the IF carrier power at the input to the detector constant. Yani, the AGC circuit produces a voltage that adjusts the receiver gain and keeps the IF carrier power at the input to the detector is constant. कैसे? ये फिर से देख लेते हैं। और इस स्टेज के बाद, इस आईएफ स्टेज के बाद यहाँ यहाँ लगा रहता है हमारा डिटेक्टर, यहाँ हमारा लगा रहता है डिटेक्टर जिसको हम डी मॉड्यूलेटर भी कह सकते हैं। अब डिटेक्टर से एक फीडबैक सिग्नल जाता है वापस कहाँ, यहाँ आरएफ स्टेज को, आरएफ स्टेज को भी जाता है, एक मिक्सर को भी जाता है और एक आईएफ को भी जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया, यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया, क्योंकि ये रिसीविंग एंटीना है, ये आरएफ स्टेज कहाँ से जुड़ी है, रिसीविंग एंटीना, यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग सिग्नल इस, ये जो कनेक्शन है ये एजीसी का फंक्शन है, ये एजीसी का फंक्शन है, ये वाला फंक्शन एजीसी। तो एजीसी क्या करती है, इस
यहाँ से स्ट्रॉन्ग सिग्नल आने से इसके गेन को कम कर देती है, आरएफ सिग्नल के गेन को कम कर देती है। और अगर वीक सिग्नल हमें यहाँ मिलता है आरएफ स्टेज पे, तो इस डिटेक्टर के गेन को वो बढ़ा देती है। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग सिग्नल वीक गेन, वीक सिग्नल स्ट्रॉन्ग गेन, या मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग सिग्नल लेस गेन, वीक सिग्नल यू कैन से इट एज स्ट्रॉन्ग गेन और बिग गेन। ओके दिस, सो एजीसी इस तरह से काम करता है। और ये हम बात कर रहे हैं सिंपल एजीसी की। अब हम बात कर लेते हैं डिलेड एजीसी। डिलेड एजीसी क्या है? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डिलेड एजीसी। डिलेड एजीसी विद सिंपल एजीसी, द एजीसी बाइस बिगन्स टू इंक्रीज एज सून एज द रिसीव्ड सिग्नल लेवल इंक्रीजेस। डिलेड एजीसी सिग्नल प्रिवेंट्स फीडबैक वोल्टेज अंटिल आरएफ लेवल एक्सीड्स ए प्री डिटरमाइंड मैग्नीट्यूड। आफ्टर एजीसी थ्रेशोल्ड द आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द कैरियर सिग्नल। ये एक ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया गया है, आप इसे इनपुट कह सकते हैं, इसे आउटपुट वेवफॉर्म कह सकते हैं। तो ये जो लाइन है, ये है नो एजीसी वाली लाइन, यहाँ कोई एजीसी अप्लाई नहीं किया गया है। और ये जो कर्व है, ये है सिंपल एजीसी वाला कर्व। अब देखिए आप इनमें जैसे ही इनपुट वेवफॉर्म बढ़ती है, तो अकॉर्डिंगली आउटपुट वेवफॉर्म भी उसके अकॉर्डिंग लीनियरली बढ़ती है। और फिर कुछ समय के बाद जाके ये जो लीनियर ग्राफ है, ये थोड़ा कांस्टेंट की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें इसकी डिलेड एजीसी की, अगर मैं बात करूं डिलेड एजीसी की अगर बात करूं, तो आप ये देखिए कि यहां से इस पोर्शन के लिए सर्किट ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे यहां कोई एजीसी नहीं है, कोई ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल नहीं हो रहा है। यानी इस पॉइंट से जीरो से यहाँ तक के लिए, इस पॉइंट तक के लिए ये नो एजीसी की लाइन को फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही इनपुट वोल्टेज एक इस पॉइंट के वोल्टेज से आगे होती है, ये एक कांस्टेंट गेन प्रोवाइड करा देता है, एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई एजीसी नहीं है, तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा, वैसे वैसे आउटपुट वेवफॉर्म भी बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब, अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया तो गेन ज्यादा, और वीक सिग्नल आया तो गेन कम। लेकिन ऐसा तो हम नहीं चाहते, हम तो एक गेन कंट्रोल की यूनिट की बात कर रहे हैं। और गेन कंट्रोल कब होगा? जब चाहे इनपुट सिग्नल का लेवल बढ़े, लेकिन आउटपुट सिग्नल का लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये कंट्रोल होगा किससे? बाय मीन्स ऑफ एजीसी। और एजीसी होते हैं दो तरह के, एक सिंपल एजीसी, एक डिलेड एजीसी। सिंपल एजीसी क्या है कि जैसे ही इनपुट आया, तुरंत उसने आउटपुट वेवफॉर्म को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और एक टाइम के बाद वो एक लगभग 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 एक लेवल को मेंटेन करता हुआ गेन को मेंटेन कर देता है। लेकिन डिलेड एजीसी में फर्क ये है, सिंपल एजीसी और डिलेड एजीसी में डिफरेंस ये है कि सिंपल एजीसी तो जैसे ही आप इनपुट देंगे, जैसे ही आप सिग्नल रिसीव करेंगे, वैसे ही वो गेन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। लेकिन डिलेड एजीसी में ऐसा नहीं होता। डिलेड एजीसी में क्या होता है कि एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद ही ये जो डिलेड एजीसी एक वर्क करना शुरू करता है, एकदम से नहीं करता। देखिए आप इसकी वेवफॉर्म को स्टडी कीजिए, जैसे ही इनपुट मिली, आउटपुट वेवफॉर्म को इसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया सिंपल एजीसी ने। यहाँ देखिए इस वेवफॉर्म को, लेकिन आप इस वेवफॉर्म को देखें अगर डिलेड एजीसी की, तो इस पॉइंट तक ये नो एजीसी जैसा बिहेवियर कर रहा है, नो एजीसी जैसा बिहेव करता है। और इसके बाद फिर ये गेन को कॉन्स्टेंट कर देता है। ये देखिए एक डीसी पावर जैसी सप्लाई, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि लगभग ये वैसा ही एक मैकेनिज्म है जैसे रेगुलेटेड डीसी सप्लाई आप, या रेगुलेटेड पावर सप्लाई आप उसे कह सकते हैं।
तो वैसा ही मैकेनिज्म, इस वोल्टेज तक जब तक इनपुट नहीं पहुंचेगी तब तक आउटपुट वेवफॉर्म का गेन कंट्रोल नहीं होगा, लगभग सर्किट ऐसा बिहेव करेगा जैसे वहां नो एजीसी हो। ओके, एजीसी रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये एजीसी की रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस तरह की, ये आरएफ इनपुट सिग्नल लेवल है जो डीबीएम में है और गेन है ये डेसिबल में है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही आरएफ इनपुट सिग्नल निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ये लाइन, ये जो लाइन है ये सिंपल एजीसी की लाइन है और ये जो लाइन है ये डिलेड एजीसी की लाइन है। तो जो गेन है इस लेवल पर जाकर, एक चाहे इनपुट लेवल आप बढ़ा रहे हैं, देखिए इनपुट सिग्नल लेवल बढ़ रहा है, देखिए इनपुट सिग्नल लेवल बढ़ रहा है, लेकिन डिलेड एजीसी पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, जबकि इनपुट लेवल के बढ़ते ही सिंपल एजीसी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इनपुट जैसे ही आपने इनपुट को बढ़ाया तुरंत सिंपल एजीसी ने अपना काम शुरू कर दिया, ये देखिए। लेकिन डिलेड एजीसी ने अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट तक कोई काम, कोई वर्क नहीं किया। यानी वर्क क्या है एजीसी का, टू मेंटेन द गेन ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट के गेन को मेंटेन करना शुरू नहीं करता जब तक कि इनपुट वोल्टेज किसी एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक ना पहुंच जाए, उसके बाद वो काम करना शुरू करता है। जब हम इसका वर्किंग मैकेनिज्म स्टडी करेंगे एजीसी का, तब आपको वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिलेड एजीसी और जो हमारे पास सिंपल एजीसी है वो वर्क करती है। बस एक बहुत बड़ा जो बहुत ब्रॉड डिफरेंस है वो यही है कि सिंपल एजीसी तो जो आउटपुट स्टेज है उसका गेन को कंट्रोल करना तभी से शुरू कर देता है जैसे ही उसे इनपुट सिग्नल मिलता है, लेकिन जो डिलेड एजीसी है वो तब वर्क करना शुरू करता है जब एक जो इनपुट वोल्टेज है वो एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा ना हो जाए। ये एक मेन डिफरेंस आप कह सकते हैं बिटवीन सिंपल एजीसी एंड डिलेड एजीसी। ओके, नाउ अबाउट फॉरवर्ड एजीसी, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फॉरवर्ड एजीसी। ओके, बोथ डिलेड एंड सिंपल एजीसी आर पोस्ट एजीसी कंपनसेशन। पोस्ट एजीसी का मतलब है आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां तीन फंक्शन है, रिसीविंग या रिसेप्शन, डिटेक्शन एंड देन एक्शन। समझ रहे हैं इस बात से, समझ रहे हैं क्या मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कह रहा हूं ये एंटीना है, एंटीना से आपने रिसीव किया, रिसीव के बाद आपने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट के बाद आपने एक्शन किया, और एक्शन क्या किस फॉर्म में किया, एजीसी के फॉर्म में। तो ये बहुत लेट एक्शन है, ये आफ्टर इफेक्ट, आप इसलिए मैंने लिखा ये पोस्ट एजीसी कंपनसेशन है। पोस्ट यानी ये बहुत समय लेता होगा, ये प्रोसेस बहुत समय लेता होगा, तो इसीलिए इसको पोस्ट एजीसी कंपनसेशन के या आफ्टर इफेक्ट का है। पहले आप डिटेक्ट कीजिए, फिर आप इसको, पहले आप रिसीव कीजिए, फिर आप उसको डिटेक्ट, सिग्नल को डिटेक्ट कीजिए, और सिग्नल के डिटेक्शन के बाद देखिए कि उसमें अकॉर्डिंग टू दैट फिर उसको एडजस्ट कीजिए। अगर गेन ज़्यादा है डिटेक्ट करने के बाद तो यहाँ अगर गेन को अकॉर्डिंग टू दैट जैसी आउटपुट हमें मिलती है उसके गेन को कंट्रोल कीजिए। ओके, अगर यहाँ हमारे पास ज़्यादा बड़ा एक कोई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिलता है तो इसके गेन को कम कर दीजिए, और अगर यहाँ कम स्ट्रेंथ का सिग्नल मिलता है तो इसके गेन को बढ़ा दीजिए। तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल तभी बनेगा, लेकिन ये आफ्टर इफेक्ट पोस्ट एजीसी कंपनसेशन है। तो होना ये चाहिए कि जैसे ही रिसीवर तक आए और वो डिटेक्ट हो तुरंत एजीसी को अपना काम कर देना चाहिए। तो यहाँ जो एजीसी जो अभी तक हम स्टडी कर रहे थे एजीसी को, सिंपल एजीसी और फॉर डिलेड एजीसी, वो एक इस तरह के एक समीकरण पे वर्क करती हैं कि आप इसे कह सकते हैं कि रिसेप्शन, डिटेक्शन एंड देन एक्शन। तो ऐसी इस कमी को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं फॉरवर्ड एजीसी को। ये जो पोस्ट एजीसी कंपनसेशन में इसको दूर कर देता है क्या, फॉरवर्ड एजीसी। कैसे, अब इस यूनिट को हम यहाँ ठीक इसके बाद अप्लाई कर देते हैं। एजीसी वोल्टेज चेंजेस इंडिकेट्स दैट इट मे बी टू लेट, समय बहुत लगता है। इन फॉरवर्ड एजीसी द रिसीव्ड सिग्नल इज मॉनिटर्ड क्लोजर टू द फ्रंट एंड ऑफ रिसीवर एंड करेक्शन वोल्टेज इज फेड।
यहाँ एकदम इसके ठीक बाद में यूज करते हैं। ओके, ये आपको मैं इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ एंटीना से सिग्नल आता है, आरएफ एम्पलीफायर में जाता है, आरएफ एम्पलीफायर से वो जाता है मिक्सर में, एक इनपुट मिक्सर में जाती है, यहाँ से लोकल ऑक्सीलेटर की मिक्सर जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को वो मिक्सर मिक्स कर देता है या आप कहें कम कर देता है, वो फिर आईएफ एम्पलीफायर में जाता है। तो जो डिटेक्शन का प्रोसीजर वो ठीक इसके बाद हो जाता है, एजीसी डिटेक्टर। तो डिटेक्शन भी हो गया तुरंत, और तुरंत उसने एजीसी ने अकॉर्डिंग टू दैट अगर ज़्यादा सिग्नल स्ट्रेंथ है तो गेन को कम कर दिया, और कम सिग्नल स्ट्रेंथ है तो गेन बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली वो गेन को कंट्रोल करती रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एजीसी। अब अगले लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ एजीसी को स्टडी करेंगे, और उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी डी मॉड्यूलेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड मीट यू इन टू द नेक्स्ट वन।